सो 7 मंथ्स वेटिंग के बाद ये जो फल है, ये मीठा फल इसको मिला है। ये है इसकी हायर बीम और ये है इसकी DRLs। बट काफी सारे लोगों को जो ये दिक्कत आ सकती। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मेरा नाम है ओमकार और आज हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक मार्केट किलर है। तो नाम तो आपको पता ही होगा, इसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। और आज हमारे पास है ओला इलेक्ट्रिक का S1 प्रो मॉडल जो कि इसका जो टॉपेस्ट वेरिएंट है ओला की तरफ से आने वाला। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, क्या क्या आपको जो फीचर्स मिलते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे फीचर जो दिए गए हैं जो कि आपको बाकी कोई भी जो स्कूटर की कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। चाहे आप मतलब कोई भी ब्रांड ले लो, उनके अंदर आपको ये सारे फीचर जो है नहीं मिलने वाले। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि इसके अंदर आप क्या क्या ऐसी जो अलग चीजें मिलती है और इसका जो राइडिंग और ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो किस तरह का है, ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। बट एक चीज, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको जल्दी से दबा लीजिए और चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है ओला S1 प्रो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये है एंथ्रासाइट कलर। इसके साथ आपको इस स्कूटर के अंदर जो है और 10 कलर के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एंथ्रासाइट कलर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लॉसी कुछ तो भी चार कोरल रेड, येलो एंड ब्लैक, कुछ ऐसे आपको और भी जो है कलर ऑप्शंस इस स्कूटर के अंदर जो है मिलते हैं जो कि आप इनके साइट के ऊपर जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गाड़ी की डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको एकदम क्लासिक डिज़ाइन इस स्कूटर के अंदर जो है मिलती है जो कि मुझे तो लगता है कि इंस्पायर्ड है वेस्पा से, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर और जो मतलब चीज़ें हैं ना वो मुझे वेस्पा जैसी लगती है। एंड मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फोटोज़ भी डाल दूंगा कि वेस्पा और इसको साइड साइड में हम जब खड़ा करते हैं तब किस तरह से दिखता है। एक्चुअली में इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी उसी तरह की है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये आपको थोड़ी सी छोटी लग रही होगी साइज से, बट एक्चुअली में बाइक जो ये स्कूटर जो ये काफ़ी बड़ी है कोई भी मतलब दूसरे स्कूटर से। मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो ये फोटोज़ बताए वेस्पा के और ओला इलेक्ट्रिक के, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के अंदर आपको जो है कितना डिफरेंस मिलता है। इसकी जो साइज़ है, इसकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा बल्की है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बहुत हल्की रहती तो उससे जो है आपको चलाने में दिक्कत होती है। तो उस तरह की चीज़ें इस स्कूटर के अंदर आपको मतलब देखने को ही नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बाहर से इसका प्रेजेंस दिखाऊँ ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाहर से इसका लुक है वो कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एंथ्रासाइट कलर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट फिनिश के साथ आता है। एंड यहाँ पे हेडलैम्प्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे DRLs दी है। यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम जैसे जो ये दोनों लाइट जो है मिल जाता है जो कि LED प्रोजेक्टर्स है। एंड यहाँ पे आप जो ये टर्निंग इंडिकेटर्स देख सकते हैं, 12 इंच के अलॉयज आपको इस स्कूटर के अंदर जो मिलते हैं। रेयर एंड फ्रंट साइड में दोनों साइड में जो डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, जो इसकी विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 110/70/12 इसकी जो ये टायर प्रोफाइल है। एंड अलॉयज भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अलॉयज है। जो सामने का सस्पेंशन है वो भी आप यहाँ पे जो देख पाओगे, आपको जो ये टेलीस्कोपिक जो ये सस्पेंशन सामने की साइड में मिलता है। एंड यहाँ पे आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा, तो इस पोर्शन में इसकी जो बैटरी है वो फिट कर दी गई है जिससे जो स्पेस है वो काफ़ी सेव हुई है। बट काफ़ी सारे लोगों को जो ये दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पे हम सामान कैसे रखें, तो ये एक दिक्कत है। उसके लिए और एक ऑप्शन है, बूट स्पेस आपको जो है काफ़ी बड़ी मिलती है स्कूटर के अंदर, तो वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे हैंगर वगैरह दिया है, यहाँ पे स्पीकर्स दिए हैं, तो एक बार मैं इसका जो डिस्प्ले है वही ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अभी के लिए हमने इसका जो पासवर्ड है वो डिफरेंट सेट किया है ताकि मतलब आपको वीडियो में दिखा सके। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो 00 हमने पासवर्ड सेट किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीकर जो है अभी ऑन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको जो है एक USB का पोर्ट मिलता है जहाँ से आप अपना फ़ोन जो है चार्ज कर पाओगे। यहाँ पे दोनों साइड में आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं, और बूट अगर आपको खोलनी ना तो आप यहाँ पे बस एक सिंगल टच से बूट को जो है अनलॉक कर सकते हैं। तो विदाउट की ये स्कूटर आती है, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि कोई भी मतलब आपको की यहाँ पे जो है नहीं लगने वाली स्कूटर को ऑपरेट करने में।
और ये है बूट स्पेस जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसके अंदर जो लिटरली दो हेलमेट जो है बैठ सकते हैं, इतनी ज़्यादा बूट स्पेस है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको हैंडल जो है पीछे के साइड में मिलते हैं, जो कि अगेन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक में है। यहाँ पे जो S1 Pro की बैजिंग है उसके नीचे आपको जो है चार्जिंग का पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है अपनी चार्जिंग होने वाली है। काफ़ी यहाँ पे इसके ऊपर जो है सिक्योर कैप लगाई है रबर की। एंड यहाँ पे ये है इसकी टेल लैंप्स। तो ये कुछ चीज़ें आपको बाहर से स्कूटर के अंदर मिलती है। अगेन अगर आप इसका रेयर सस्पेंशन देखें ना, तो ये भी काफ़ी अलग तरह से दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ही ऐसा आड़ा यहाँ पे लगाया है। एंड पीछे आपको जो डिस्प्रेक्स वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो ये शायद से मोटर रहेगी। तो जो ओवरऑल जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है ना, वो मतलब एकदम काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको स्कूटर मिलती है। सीट अगर आप देखें तो ये बहुत ही वाइड है, तो कोई मतलब मोटा यहाँ पे इसके ऊपर बैठता है, तो उसको जो है बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एंड यहाँ पे आपको ब्रांडिंग में अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे एकदम छोटी सी ओला की ब्रांडिंग दिखेगी, और यहाँ पे पीछे सिर्फ S1 Pro की ब्रांडिंग दिखेगी। बस इतनी ब्रांडिंग है स्कूटर के ऊपर, बाकी इसके लुक ही काफ़ी है गाड़ी कौन सी है ये जानने के लिए, क्योंकि लुक कुछ ऐसी बनाई है। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना दूसरे मार्केट में अभी जो स्कूटर्स है उनसे, तो गाड़ी के अंदर आपको जो ये मतलब मैसिव फीचर्स मिलते हैं जो कि आप मतलब दूसरे स्कूटर से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। काफ़ी सारे लोग जो है ना वेटिंग के लिए डरते हैं कि भाई मुझे 7 महीने वेटिंग नहीं करनी, मैं 1 महीने में 2-3 दिन में मुझे एक गाड़ी की डिलीवरी मिल रही है, तो 80-90 हज़ार जो है उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो वर्थ नहीं रहती है। ये गाड़ी आपको काफ़ी वर्थ मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसके अंदर जो यहाँ पे माइक वगैरह भी मिलता है, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसके लिए काम में आने वाला है। इवन मैं इसको अगर जो अपनी फ्लैगशिप स्कूटर अभी मार्केट में चल रही है एथर, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो उससे भी इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं जो कि अनकम्पेरेबल है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जैसे कि डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वैसे स्कूटर के अंदर 3 मोड मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर। तो हाइपर मोड मतलब एकदम एक्सट्रीम है, बहुत ही मतलब एग्रेसिव है। अगर आपको नॉर्मली सिटी में ड्राइव करनी है तो वो मोड आपके कोई भी मतलब काम का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बन जाती है गाड़ी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये पार्किंग पे है, और यहाँ पे आपको म्यूजिक वगैरह प्ले के जो है बटन्स भी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशन भी दिखेगा। तो वो फीचर जो है थोड़े दिन बाद शायद से अनलॉक होने वाले हैं, 2 महीने बाद इसका जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद आपको कुछ और फीचर जो स्कूटर के अंदर मिलता है, और जैसे कि ये एक S1 Pro मॉडल है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा फीचर है, ये एक टॉपेस्ट मॉडल है ओला इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड, ऐसी कुछ चीज़ें दी गई है, और ये पासकोड शायद से, ये जो चीज़ें हैं ना ये आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ये देखो आप यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम, सो यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हो। एंड ब्लूटूथ, ये लेट्स लिसन टू म्यूजिक कॉल, अटेंड कॉल्स, तो ये कमिंग सून यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थोड़े दिन बाद जो है शायद से मतलब जब रजिस्ट्रेशन पूरा होगा तब ये आने वाला है। बाकी आप एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड वगैरह के एनालिटिक्स आते हैं, एवरेज स्पीड आती है आपकी, डेली डिस्टेंस आता है आपने कितनी चले है, टुडेज है, सिर्फ आज के दिन का ही बताएगा, और यहाँ पे टॉप स्पीड है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कितनी है, और इस स्कूटर की जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा है, 180 की रेंज जो है ये ओला ने क्लेम की है। अगर आप नॉर्मल मोड पे ठीक से चलाते हो ना तो रीजनरेशन से जो 180 की रेंज है वो आप हासिल भी कर पाओगे, अगर आप स्पोर्ट्स मोड या हाइपर मोड चलाते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा बैटरी लग जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है गाड़ी के अंदर, आपको रिवर्स मोड और ऐसी कुछ और भी जो है चीज़ें मिलती है। हॉर्न एक बार मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे स्पीकर्स में से हॉर्न बजता है, इंडिकेटर्स में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्निंग इंडिकेटर्स किस तरह से है, LED फॉर्म में है ये पूरे। एंड पीछे के साइड में भी आपको जो ये यहाँ पे LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। एंड इसको अगर बंद करना है तो आप फिर से इसी को दबा के जो इसको बंद कर सकते हैं, एंड इसको मैं बंद कर लेता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे आपको और कुछ ऑप्शन जो मिलते हैं। सो यहाँ पे ये जो दो बटन है ना ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के लिए है, जो कि आपके म्यूजिक जब आप इसके अंदर सुनते हो तब आपको जो है काम में आने वाले हैं, बिकॉज इसके अंदर आपको यहाँ पे स्पीकर्स के अंदर म्यूजिक भी लगाते आने वाला है। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर के जैसा काम करेगा, अपने फ़ोन से आपको जो है सिर्फ गाने लगाने हैं। और ये डिस्प्ले के अंदर आपको शायद से 32 GB का जो है स्टोरेज भी मिलता है, तो आप इसके अंदर भी कुछ, तो इसके अंदर आप कुछ प्री इंस्टॉल जो है चीज़ें रख सकते हैं। 3 GB रैम जो इसके अंदर दिया गया है, तो फ्यूचर में आप इसके ऊपर जो है शायद से गेमिंग भी कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी हम ओनर से जानते हैं कि उसने मतलब ये गाड़ी ही क्यों चूज़ की। तो यहाँ पे हमारा ओनर थोड़ा सा शर्मिला है, तो वो कैमरा के पीछे से ही बात करने वाले हैं। तो भाई ऋषिकेश भाई, आप क्या बता सकोगे कि आपने
एथर या इन सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स में से यही गाड़ी क्यों चूज की? सबसे पहला है फीचर्स और रेंज। तो फीचर्स एंड रेंज इसके अंदर सबसे ज्यादा है, वो हम सभी को पता ही है। मैंने सिर्फ ऐसे मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन पूछा था। एंड इसकी वेटिंग तुझे कितनी पड़ी? 7 महीना। सो 7 मंथ्स वेटिंग के बाद ये जो फल है, ये मीठा फल इसको मिला है, बहुत ही मतलब मुझे तो पर्सनली ये जो व्हीकल है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और मतलब अभी का जो मार्केट है उसके अंदर ये मार्केट किलर के नाम से जो जाना जा सकता है। तो भाई अभी मतलब क्या चल रहा है, अगर आप अगर किसी को अभी ओला की गाड़ी बुक करनी है तो अभी कुछ है बुकिंग के? मतलब बुकिंग चालू हो गई अभी। सो बीच में कुछ तो बंद हो गई थी, तो अभी शायद से चालू हो चुकी है। एंड मतलब और क्या फीचर्स है जो तुझे मतलब ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग दिए गए हैं? अभी 2 महीने बाद जो अपडेट आएगा उसके बाद फ़ोन कनेक्ट कर पाएगा अपन, तो फिर उसके वजह से गाड़ी के पास आके गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी के दूर जाते हैं तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। और जियो फेंसिंग भी कर सकते हैं, गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, मैप्स हो गए, म्यूजिक होगा, कॉल्स, मैसेजेस, सारे फीचर्स ऑन हो गए। ओके, सो मतलब गाड़ी के अंदर कुछ मतलब ऐसे फीचर्स दिए ना जो अभी तक हमने मतलब कोई भी गाड़ी के अंदर जो है नहीं देखे थे। इवन मतलब कार्स के अंदर तो अभी तो मतलब काफ़ी हाई क्लास कार्स के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिल जा सकते हैं, बट स्कूटर के अंदर जो ऐसे कुछ भी फीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है स्कूटर के अंदर बाहर से मिलती है। अगर मैं आपको ये फुटस्टेप भी दिखाऊँ ना, तो ये पूरी ही फ्लश हो जाती है। इवन ये जो स्टैंड है, साइड स्टैंड, ये भी पूरा ही अंदर फ्लश हो जाता है। तो ये एक मतलब काफ़ी अमेजिंग फिनिश लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। एक बार मैं आपको ये जो साइड स्टैंड है इसको फ्लश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको निकालना भी काफ़ी इजी है, यहाँ पे आपको जस्ट ऐसा पेयर करना है। स्प्रिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड गाड़ी का जो हैंडल लॉक है वो अपने आप से हो जाता है। तो आपको बस यहाँ पे बटन दबाना है, यहाँ पे अपना पासकोड डालना है और आप रेडी टू यूज़ ये गाड़ी जो है कर पाओगे। तो ये 2 महीने बाद इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें आने वाली है, जिसे आप फ़ोन से भी इसको जो है अनलॉक कर पाओगे। जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस रहती है तो वहाँ पे आप जो ये एज अ सिक्योरिटी पर्पज आप फ़ोन से इसको जो अनलॉक कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, डिस्प्ले आप देख सकते हैं, 9 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले है। सारे मतलब सारे तो नहीं, मैंने आपको जो मतलब इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो तो इसके बता दिए हैं, और कुछ आने वाले हैं, कमिंग सून है कुछ फीचर्स। तो अगर आपको इसके ऊपर एक पूरा ही प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट डालें, मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा कि डिस्प्ले के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। देन हैंडल आप देख सकते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल है, जिसकी मैंने थोड़ा सा इसको वेस्पा से कंपेयर किया तो जो इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो मतलब आपको एक काफ़ी वेस्पा जैसा ही सिटिंग पोस्चर मिलता है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस स्कूटर के ऊपर बैठा हूँ और जो पोस्चर है वो मुझे एकदम कंफर्टेबल पोस्चर मिल रहा है। इवन मेरी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड आप यहाँ पे सीट भी देख सकते हैं, जो सीट है वो मुझे कितना लगा है। तो यहाँ पे एक बार मैं इस स्कूटर को जो है ऑन कर लेता हूँ एंड आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी हैं नॉर्मल मोड पे। यहाँ से आप जो इसके मोड चेंज कर पाओगे, नॉर्मल, देन ये स्पोर्ट्स, यहाँ पे अगर मैं फिर से दबाऊँ तो ये हो गया हाइपर। तो ऐसे कुछ आपको जो ये 3 मोड्स मिलते हैं। हाइपर मोड मतलब एकदम एक्सट्रीम, इसके अंदर आपको जो ये एग्रेसिव मिलता है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको जो ये छोटा सा हाइपर मोड का जो है ट्रायल दे देता हूँ कि जो व्हील स्पिन है वो किस तरह से होता है। तो व्हील स्पिन जैसे मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे जो ये मिट्टी नहीं है, स्पिन तो यहाँ पे नहीं हो रहा, बट जो मतलब इसका टॉर्क है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। मतलब मैंने अभी तक एथर ट्राई की है या कोई मतलब बजाज चेतक ट्राई की है, इतना ज़्यादा आपको टॉर्क जो है कोई भी स्कूटर के अंदर नहीं मिलने वाला। तो ये एक चीज़ है, इसके एक बार हम एक छोटी सी राइड भी लेते हैं कि जो स्कूटर है वो किस तरह से चलती है। और एक चीज़, इस स्कूटर के अंदर आपको जो है एक रिवर्स मोड भी आता है, तो उसका जो बटन है वो अभी मुझे यहाँ पे ठीक से पता नहीं। हाँ, सो यहाँ पे आपको जो ये रिवर्स मोड मिलता है, यहाँ पे आप ये बटन देख सकते हैं, ये है इसका रिवर्स मोड। एंड यहाँ पे आपको इसको जो एक्सेलरेटर है उसको उल्टा घुमाना है और ये उल्टी जाती है। तो इसकी जो मतलब रिवर्स की टॉप स्पीड है ना वो है 4 kmph की, तो आप 4 kmph तक जो है पीछे इसको ड्रैग कर सकते हैं। और अगर ऐसा थोड़ा चढ़ा है तो वहाँ पे आप इसको जो यूज़ कर सकते हैं आराम से। वैसे तो ये वाला फीचर एथर में भी आता है, इतना कुछ ऐसा खास नहीं, बट ठीक है। एंड बस कुछ इस तरह के आपको जो यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप साइड मिरर्स भी देख सकते हैं, ये तो खैर काफ़ी मतलब नॉर्मल शेप की है, इसके अंदर कुछ ऐसी ज़्यादा खास बात नहीं है, बट
मुझे मेन चीज़ यहाँ पे अट्रैक्शन क्या लगे कि इसका जो हेडलैम्प का सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो ये लोअर बीम मिलती है, ये है इसकी हायर बीम और ये है इसकी DRLs। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये सारी चीज़ें जो एक किस तरह से दिखती है, ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एंड अगर मैं कहूँ ना कि मार्केट में इस तरह की स्कूटर आपको कोई भी मतलब देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके जो लुक्स है वो सारे स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। काफ़ी क्लासी लुक्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। एथर अगर मैं कहूँ ना तो उसके अंदर आपको स्पोर्टी लुक्स मिलते हैं। और मैं स्कूटर को डायरेक्टली एथर से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट जो है दोनों स्कूटर की सेम है। S1 Pro की जो प्राइस है वो है अराउंड 1.4 लाख रुपीज़, जो कि एक ऑन रोड प्राइस है। एंड इसके ऊपर आपको जो ये एक सब्सिडी मिलती है 30,000 की, 30,000 के आसपास। तो आपको 1,10,000 के अंदर ये स्कूटर जो है पड़ने वाली है। और अगर आप इसका जो ये इसका नीचे वाला वेरिएंट लेते हो जो कि है S1, तो उसका जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज़, मतलब 99,000 रुपीज़। और उसके ऊपर भी आपको जो है सब्सिडी मिलने वाली है, मुझे तो लगता है वो अराउंड कुछ तो भी 80,000 या 85,000 के आसपास जाएगी। तो वो एक वर्थ चीज़ होने वाली है। मैं तो कहूँगा अगर आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी तो आप थोड़े दिन रुको और जो S1 मॉडल है वो ले लो, बिकॉज सारे स्कूटर जो है अराउंड 80,000 के आसपास आते हैं। तो आप इसको जो है डेफिनेटली ले सकते हैं। और एक चीज़ है जो कि हमें ऋषिकेश भाई जो ये पीछे से बताएगी कि अगर मुझे मेरे पास S1 है और मुझे अगर S1 Pro लेनी है तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? जी, उसमें 30,000 आप अगर ओला कंपनी को पे करते हो तो आपका मॉडल S1 Pro वो कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप मतलब बाद में कभी भी आपका मन करता है कि मुझे S1 यूज़ करके मुझे अभी बोर हो रहा है, मुझे और भी ज़्यादा फीचर चाहिए, बिकॉज S1 के अंदर थोड़े कम फीचर है इससे, तो अगर आपको ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप 30,000 ओला को पे कर सकते हैं और अपनी गाड़ी जो है S1 Pro के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। बेसिकली जो गाड़ी रहती है वो पूरी ही सेम रहती है, बट जो फीचर्स रहते हैं वो लॉक रहते हैं। तो वो आप सब्सक्रिप्शन जो है 30,000 रुपये का ले सकते हैं और गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं या और कुछ चीज़ें जो है आप बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अब हम लास्ट में जो इसकी राइड लेते हैं, और राइड लेने से पहले अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अभी तक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं अभी जल्दी से राइड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं स्कूटर के ऊपर बैठ चुका हूँ, और यहाँ पे इसको ऑन करने के लिए हमें ब्रेक विथ यहाँ पे बटन दबाना पड़ता है, तो कुछ इस तरह से ऑन होती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसका जो मतलब पूरा जो मतलब इसका सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। एंड चलते हैं अभी हम इसके एक स्मॉल राइड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं नॉर्मल मोड पे, जहाँ पे जो गाड़ी है वो नॉर्मल कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर रहती है उस तरह से चलती है। एंड वैसे तो गाड़ी के अंदर 3 मोड आते हैं जिसको आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मोड पे डाल देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड पे डालना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो ये बहुत ज़्यादा पत्थर है, तो यहाँ से मैं बाहर निकाल देता हूँ। एंड इसका जो हाइपर मोड है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब एग्रेसिव है, उसके अंदर आपको जो ये एक काफ़ी एग्रेसिव राइड मिलने वाली है। तो अभी तो अपना स्पोर्ट्स मोड चालू है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके एक टॉप स्पीड के ऊपर भी हम वीडियो निकालेंगे जिसके अंदर इसकी जो टॉप स्पीड है वो किस तरह से है वो चेकआउट करेंगे, बिकॉज अभी तो इसका जो ब्रेकिंग है गाड़ी का अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके वजह से हम टॉप स्पीड तो इसकी अभी चेकआउट नहीं करेंगे। तो इसको मैं हाइपर मोड पर डाल देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका हाइपर मोड है वो ऑन हो चुका है। एंड जो टॉर्क है, टॉर्किनेस है, वो आपको इस गाड़ी के अंदर ईजीली जो है समझ में आएगी जब आप खुद से जो इसको ड्राइव करोगे। अभी तो मैं एक्सेलरेट मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तभी भी ये इतनी ज़्यादा भाग रही है। एंड यहाँ पे टर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा ज़ोर से तो यहाँ पे हम नहीं चलेंगे इसको।